दोस्तों क्या मैं आपको कुछ मोस्ट फेमस भोजपुरी गानों के बोल सुनाऊं? लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अभी ये क्या, जब तक लिपस्टिक ब्लाउज और ढोड़ी जैसे वर्ड्स गाने में ना आ जाए तब तक आज की भोजपुरी संगीत कंप्लीट थोड़ी होगी। जी हाँ, ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी काम कर चुके हैं। और यहाँ हमें गंगा किनारे मोरा गांव, बलम परदेसिया और ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी सुपरहिट मूवीज भी देखने को मिली है। लेकिन आखिर क्यों हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने वाली भाषा भोजपुरी को आज अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है? आज क्यों मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर यूपी बिहार के होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों बीते कुछ डेकेड्स में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी तेजी से ग्रो किया है। आज बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मुंबई समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकिन भले ही पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रितेश पांडे और खेसारी जैसे भोजपुरी स्टार्स के सॉन्ग्स को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके गाने बिना हेडफोन लगाए तो सुनने लायक ही नहीं होते हैं। यही वजह है कि भोजपुरी फिल्मों या गानों का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले डबल मीनिंग डायलॉग्स और अश्लीलता से भरे गाने ही आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीते कुछ डेकेड्स में ही भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता और डबल मीनिंग डायलॉग्स आए हैं, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास ही हमेशा से ऐसा रहा है? अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें भोजपुरी सिनेमा के हिस्ट्री में झांकना होगा। तो दोस्तों देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक्टर और स्क्रीन राइटर नजीर हुसैन से मिले और तब उन्हें पता चला कि हुसैन साहब यूपी और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने को कहा। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे और भोजपुरी से उनका खासा लगाव था। हमारे पहले राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पर नजीर हुसैन ने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो लिखी और इस फिल्म को भोजपुरी में लिखने के बाद वो डायरेक्टर बिमल राय के पास पहुंचे तो उन्हें कहानी तो बहुत पसंद आई लेकिन वो इसे भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में बनाना चाहते थे। मगर नजीर हुसैन ने इसे भोजपुरी में ही बनाने का फैसला किया। बिमल राय के ऑफर को ठुकराने के बाद नजीर हुसैन को लंबे समय तक अपनी फिल्म के लिए डायरेक्टर की तलाश करनी पड़ी और उन्हें मुंबई में कोई भी ऐसा डायरेक्टर ही नहीं मिल रहा था जो कि उनकी फिल्म में पैसे लगाने को तैयार हो। लेकिन बाद में आगे चलकर एक कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल ओनर विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए और इसका बजट फिक्स किया गया 1,50,000 रुपए। लेकिन फिल्म के तैयार होते होते इसमें 5,00,000 रुपए खर्च हो गए। कंप्लीट होने के बाद 1963 में इस मूवी को रिलीज किया गया और ये सुपर डुपर हिट साबित हो गई। उस टाइम इस फिल्म ने 80,00,000 रुपए का बिजनेस किया था और खूब वाहवाही बटोरी थी। इस तरह से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत तो बहुत कमाल की हुई लेकिन पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री की इतनी बिगाड़ दी गई कि आज भोजपुरी फिल्मों को हम फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। अब क्यों आज भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाने लगा है और क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री के इस डाउनफॉल की वजह, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस इंडस्ट्री में इतनी अश्लीलता फैल गई कि अब हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार्स भोजपुरी फिल्म करने से भी कतराते दिखाई देते हैं। पहले के जमाने में भोजपुरी फिल्मों में गाँव, सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को दिखाया जाता था जो कि सोशल और इमोशनल होने के साथ ही लोगों के दिलों को भी छूती थी। लेकिन अब तो ज्यादातर फिल्मों में अश्लीलता और फूहड़पन का बोलबाला रहता है जिसका झंडा उठाए खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और अरविंद अकेला यानी कल्लू जैसे भोजपुरी स्टार्स अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, इसमें रवि किशन एक्सेप्शन हो सकते हैं क्योंकि चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या फिर साउथ इंडियन मूवीज, वो हर जगह खुद को साबित करते हुए दिखे हैं। लेकिन बाकी एक्टर्स के लिए तो सक्सेस का मंत्र सिर्फ अश्लीलता फैलाना ही रह गया है। आलम ये है कि 100 भोजपुरी गानों में 90 से ज्यादा तो अश्लील ही होते हैं। एक्चुअली ऐसा होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कि रीजन नंबर 1 लैक ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को सबसे बड़ा स्टार साबित करने की लड़ाई तो चलती ही रहती है। कभी फेसबुक पर लाइव आकर एक्टर एक दूसरे को गाली देते हैं तो कभी मीडिया के सामने किसी दूसरे एक्टर का मजाक उड़ाते हैं। अब इस काम में तो वो खूब मजे हुए खिलाड़ी हैं, बस उनसे चूक सिर्फ एक ही चीज में हो जाती है और वो है एक्टिंग। जी हाँ, हमारे भोजपुरी एक्टर्स का दूर दूर तक एक्टिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हो भी क्यों,
जब अच्छी एक्टिंग आना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए जरूरी ही नहीं है। अब अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी एक्टिंग कोर्स में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ना ही थिएटर करने की और ना ही मॉडलिंग जैसा कोई मुश्किल काम करने की। अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो बस आप इस इंडस्ट्री के लिए एक बेस्ट चॉइस माने जाएंगे। इतना ही नहीं, आप जितना ज्यादा वल्गर गाने गाएंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, अफसोस की बात है मगर कुछ इसी तरह की मेंटालिटी के बेस पर ही आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी है। रीजन नंबर 2, प्रमोटिंग वल्गैरिटी। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस की भी अगर बात करें तो भोजपुरी फिल्म में एंटर करने के लिए उन्हें भी एक्टिंग स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी बॉडी को देखा जाता है कि आखिर वो कितना दिखाने के लायक हैं। उन्हें बस वल्गर गानों पर नाचना और अपनी बॉडी को एक्सपोज करना आना चाहिए। यही वजह है कि एक दो हीरोइनों को छोड़कर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको जितनी भी एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी उनकी बॉडी साइज बेडॉल होती है और उसे ही एक्सपोज करके फिल्म प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों, भले ही एक्ट्रेसेस मेल एक्टर से ज्यादा बेटर एक्टिंग कर सकती हो पर इनका इस्तेमाल सिर्फ वल्गैरिटी फैलाने के लिए ही किया जाता है। यहाँ वुमन सेंट्रिक फिल्में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी और कभी बन भी गई तो प्रोड्यूसर्स की जान हलक में आ जाती है कि कहीं वल्गैरिटी की आदी हो चुकी ऑडियंस इसे नकार ना दे। एक और प्रॉब्लम जो भोजपुरी एक्ट्रेसेस के साथ देखने को मिलता है वो ये है कि दो चार मूवी सेम एक्टर के साथ करते ही उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और जब दोनों का ब्रेकअप होता है तो एक्टर अपनी फेम और पावर का इस्तेमाल करके एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में काम मिलने ही नहीं देता। और दोस्तों, ये चीज हम अक्षरा और पवन सिंह के साथ भी देख चुके हैं, क्योंकि अक्षरा का कहना है कि जब उनका पवन सिंह से ब्रेकअप हुआ था तब उन्हें फिल्मों में काम दिया ही नहीं जाता था। कई डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्मों से निकाल दिया था और वो 2 साल तक बेरोजगार भी रही थी। और कुछ इसी तरह की ही परेशानियां लगभग हर एक एक्ट्रेसेस के साथ है। ना ही वो अपने साथ होने वाले बदसुलूकी के खिलाफ आवाज उठाती हैं और ना ही अंग प्रदर्शन का विरोध करती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर काम चाहिए तो ये सब तो करना ही होगा। रीजन नंबर 3, प्रॉब्लम विद फिल्म मेकर्स। 1963 में पहली बार सुपरहिट भोजपुरी फिल्म बनाने के बाद 14 साल तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ 21 फिल्में ही प्रोड्यूस की गई थी। वजह थी बेहतर कंटेंट क्रिएशन, सभ्य संगीत, अच्छे डायलॉग्स और कमाल की एक्टिंग। लेकिन अब ये इंडस्ट्री फिल्म मेकर्स या एक्टर्स के लिए सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गई है और क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हम अक्सर ये सुनकर हैरान रहते हैं कि अक्षय कुमार एक साल में 3 या 4 फिल्में कर लेते हैं, लेकिन फिल्मों की ये संख्या खेसारी लाल यादव के सामने तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि 2013 में खेसारी लाल यादव की 10 फिल्में रिलीज हुई थी तो वहीं 2014 में 11 फिल्में। अब इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में एक एक्टर की इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं तो फिर क्रिएटिविटी कहां से ही आएगी। जल्दी पैसा कमाने के लिए यहाँ ऐसे लोग भी फिल्म मेकर्स बन जाते हैं जिन्हें इस फील्ड के बारे में जरा से भी नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअली साल 2003 के बाद भोजपुरी मूवी की सक्सेस ने कई छोटे और बी एंड सी ग्रेड फिल्म मेकर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था और उन फिल्म मेकर्स को लगा कि भोजपुरी फिल्म कम बजट में बन जाती है और इसकी सफलता की गारंटी भी होती है। ऐसे में क्यों ना ऐसी ही फिल्में बनाकर कमाई की जाए। अब ऐसे कंडीशन में उन्होंने बिना भोजपुरी संस्कृति को समझे बी और सी ग्रेड की फिल्मों के फार्मूलाज पर भोजपुरी फिल्में बनाने शुरू कर दी जिसमें कि महिलाओं को सेक्स सिंबल के रूप में देखा गया और उनसे खूब बॉडी एक्सपोज कराए गए। साथ ही फिल्मों को हिट कराने में डबल मीनिंग डायलॉग्स का भी खूब सहारा लिया गया जिससे कि भोजपुरी सिनेमा का लेवल काफी गिर गया। बाकी कसर छोटू छलिया, गुड्डू रंगीला और इनके जैसे सिंगर्स ने पूरी कर दी और इतने घटिया घटिया गाने और म्यूजिक वीडियोस बनाए कि लोगों की नजरों में भोजपुरी सिनेमा की इज्जत कम होने लगी। यहां तक कि इस इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स खुद सामने आकर कहते हैं कि अगर हम साफ सुथरी फिल्में बनाने लगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। रीजन नंबर 4, कास्टिज्म। नंदवंशी के राज चली, पंडित जी के राज चली, चौहान जी के राज चली, ये सभी चुनावी नारे नहीं हैं, ये सभी तो अलग अलग भोजपुरी सॉन्ग्स के टाइटल हैं। जी हाँ, ऐसे ही दर्जनों सॉन्ग्स जो अलग अलग कास्ट का राज दुनिया में कायम होने का अनाउंस करते हैं इन दिनों खूब सुने जा रहे हैं। इस समय बदनाम भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का ये नया ट्रेंड चला हुआ है जहाँ सिंगर्स अब एरोटिक सॉन्ग से जाति की ललकार लगाने वाले गानों की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कास्ट पर बेस सॉन्ग बनाने की ट्रेंड की शुरुआत भोजपुरी के जाने माने सिंगर टुनटुन यादव ने की थी। साल 2021 में उन्होंने एक गाना गाया था जिसके लिरिक्स थे 6 के 6 गोली उतार देली छाती में, पावर होला खाली अहिर जाती में। हैरानी की बात यह है कि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर आते ही छा गया और इसे जमकर पॉपुलैरिटी मिली।
इस गाने के ऊपर YouTube पर 42 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और कहा जाता है कि इसके बाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में जातीय गानों की बाढ़ सी आ गई। फिर चाहे खेसारी लाल यादव हो, गुंजन सिंह हो, समर सिंह हो या फिर पवन सिंह, सब ने कास्टिज्म पर बने गानों को बहुत ही बुरी तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों, आज बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में फैली भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की है, जिसमें हर साल 60 से भी ज्यादा मूवीज बनाई जाती हैं। और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के बावजूद अश्लीलता के बल पर ही सफल होने की कोशिश करती दिखती है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गर होने के पीछे गलती सिर्फ एक्टर और फिल्म मेकर्स की ही नहीं है, बल्कि इसे देखने और सुनने वालों की भी है। एग्जाम्पल के लिए खेसारी लाल के इस सॉन्ग को ले लीजिए, जिस पर 3 वीक्स में ही 22 मिलियन व्यूज आए थे। वहीं पवन सिंह के इस सॉन्ग पर 5 महीने में ही 45 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और दोस्तों, इससे साफ है कि ऑडियंस भी भोजपुरी सिंगर्स, एक्टर्स या फिर फिल्म मेकर्स से यही डिमांड कर रही है। लेकिन अगर ऑडियंस के सामने अश्लीलता से हटकर कुछ अच्छा कंटेंट पेश किया गया तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन इसे भी वो अपना भरपूर प्यार देंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में भोजपुरी फिल्में इलाइट क्लास और वेल एजुकेटेड लोगों को भी खूब भाती थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें वल्गैरिटी ने जगह लेना शुरू किया, इस तरह की ऑडियंस इससे दूर होती चली गई। इसीलिए अगर आज फिर से भोजपुरी फिल्मों में वही संस्कृति और समाज से जुड़ी चीजें वापस आ जाएं जो पहले हुआ करती थी, तो फिर सभ्य समाज के लोग इससे दोबारा जुड़ने लगेंगे, जिससे कि इस इंडस्ट्री को ज्यादा बड़ी ऑडियंस मिल पाएगी। और साथ ही अर्निंग तो होगी ही, पर साउथ इंडस्ट्री की तरह ही भोजपुरी फिल्में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना पाएंगी। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।